हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आज है दोस्तों फ्राइडे और मैं रेडी हो गया बैठा हूँ ऑफिस का काम करने के लिए। मेरा मॉर्निंग वर्क फ्रॉम होम अभी हो चुका है और बस अभी 5 मिनट में हम निकलने वाले हैं ऑफिस के लिए। हाँ, आज हम जाने वाले हैं ऑफिस और जो बचा हुआ हमारा हाफ वर्क ऑफ डे है वो हम ऑफिस से करने वाले हैं। वो क्यों मैं आपको जाते वक्त बताऊंगा। और आपने टाइटल और थंबनेल से समझ लिया होगा कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जापान में मैं परमानेंटली रहने का क्यों सोच रहा हूँ, मेरे क्या आगे प्लान्स रहने वाले हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि जापान में आने के सोच रहे हैं, पढ़ने का सोच रहे हैं, जॉब के लिए सोच रहे हैं या फिर नहीं भी सोच रहे होंगे, बट अगर आपको जापान के बारे में एक जनरल आइडिया अगर चाहिए होगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा देखिएगा। भाई साहब, आज धूप बहुत ज़्यादा है, मेरे हिसाब से 35 डिग्री के ऊपर आज टेम्परेचर है जापान में। आज हम जा रहे हैं दोस्तों ऑफिस में बहुत दिनों के बाद में, तो आज कोई पार्टी शार्टी नहीं है। आपको लग रहा होगा कि कोई नोमी खाई वगैरह होगा ऑफिस में, इसलिए हम जा रहे हैं, तो नहीं, आज हम जा रहे हैं हेल्थ चेकअप करवाने के लिए। हाँ, तो मेरे ऑफिस में ऐसा होता है कि साल में एक बार गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ चेकअप होता है और एक बार होता है ऑफिस की तरफ से। तो आज ऑफिस की तरफ से हेल्थ चेकअप होने वाला है, और जो कि ऑफिस में होने वाला है। लास्ट टाइम हम शायद फरवरी में गए थे एक हॉस्पिटल में, जहाँ पे हमने पूरा बॉडी चेकअप करवाया था और उसका रिजल्ट भी आ चुका है, और उसमें मेरा जो ब्लड प्रेशर था वो थोड़ा कम आया हुआ है। तो ये कोई ऐसे डरने की बात नहीं है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा हाई लो तो कभी कभी होते रहता है। आज इतनी धूप है ना, सब अभी छाते लेके निकले हुए हैं, और जापान में जब साइकिल चलाते ना इस तरीके से पूरा ढक के, मास्क वगैरह लगा के, स्कार्फ लगा के, जैसे इंडिया में भी होता है वैसे यहाँ पे लोग करते हैं। मुझे जापान में आके दोस्तों ऑलमोस्ट हो चुके हैं 8 साल। हाँ, और मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आए थे कि मेरे आगे प्लान्स क्या है जापान में रहने के, मैं इंडिया वापस आऊँगा नहीं आऊँगा, जापान में ही रहूँगा, पीआर का क्या सीन है। तो मैंने मेरे पिछले व्लॉग में भी काफ़ी आपको अपडेट्स दिए थे मेरे, और मैं पीआर को भी रिसेंटली अप्लाई करने वाला हूँ, और मेरा प्लान है भी जापान में ही परमानेंट रहने का। वो क्यों, काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि क्यों मैं जापान में रह रहा हूँ, वापस इंडिया क्यों नहीं आ रहा हूँ। तो वैसे काफ़ी कुछ रीजंस है यहाँ पे रहने के, जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहला रीज़न है दोस्तों क्लीनिनेस। आपको तो पता होगा कि जापान वर्ल्ड में क्लीनिनेस में सबसे ऊपर आता है। जापान में आप कोई भी गलियों में चलो, हाईवे पे चलो या फिर कोई गली में, वहाँ पर आपको क्लीनिनेस काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। जैसे आप देख रहे हो अभी मैं वॉक कर रहा हूँ मेरे घर के पास की गलियों से, और यहाँ पे आप देख रहे हो बिल्कुल आपको कचरा नहीं दिखेगा, और ये जो वाइट कलर के मार्क दिख रहे हैं आपको, इसके बीच में कोई पार्किंग को लगाएगा नहीं, साइकिल गाड़ी टू व्हीलर, क्योंकि जापान में ना इस रोड पे पार्किंग करना अलाउ नहीं है। और लोग जैसे होता है ना कि समझ लो यहाँ पे कोई शॉप है और वहाँ पे मैं जाना है 5 मिनट के लिए, तो चलो भाई रोड पे साइकिल लगा देते हैं या कार लगा देते हैं, नहीं लगा देते। यहाँ पे भी मार्क है, इसके अंदर ही लोग अपनी साइकिल हो गई गाड़ी हो गई पार्क करेंगे। तो ऐसे रूल्स जापान में बहुत फॉलो करते हैं, तो ये क्लीनिनेस की वजह से ये एक रीज़न है मेरा कि आई लाइक क्लीनिनेस। सेकंड रीज़न है दोस्तों पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो जापान में आपको कहीं भी ट्रैवल करना है आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। बस हो गई, ट्रेन हो गई, टैक्सी हो गई। टैक्सी तो वैसे यहाँ पे काफ़ी महंगी है, बट अगर आप मेट्रो और बस देखोगे ना तो आपको जापान में कहीं भी ट्रैवल करना है तो ईजिली एक्सेसिबल हो जाएगा। तो देखो टैक्सी का नाम लिया, पीछे से टैक्सी गई है। ये हमारे घर के पास का रेलवे स्टेशन, और हर एरिया में आपको 500 मीटर की दूरी पे रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। मेट्रो स्टेशन होते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट होते हैं। अगर आपको कहीं भी ट्रैवल करना है आप यहाँ पे इजीली ट्रैवल कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे हर स्टेशन पे भी आपको एस्केलेटर मिल जाएगा, अगर आपके पास में बड़े बैग्स हैं। जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ जापान से किसी और देश में या कहीं भी, तो जब आपके पास में बड़ी बड़ी बैग्स होती है ना, वो आप इजीली यहाँ से ले सकते हो। और साथ ही में यहाँ पे आपको लिफ्ट भी मिल जाएगी। हाँ, जापान के हर रेलवे स्टेशन पे यहाँ पर लिफ्ट होती है, जैसे कि ये वाले स्टेशन पे बताता हूँ मैं। मेरा बड़ा छोटा स्टेशन है, बट स्टिल यहाँ पे देखो यहाँ पर लिफ्ट लगी हुई है, यानी कोई बूढ़े लोग हैं या आपके पास बहुत लगेज है, आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। देख लो इनका रेलवे स्टेशन भी कितना क्लीन है, बिल्कुल भी आपको यहाँ पर गंदगी नहीं दिखेगी।
तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हमारे ऑफिस के स्टेशन पे। काफ़ी लोग अभी जा रहे हैं ऑफिस में और अभी लंच ब्रेक भी हुआ है ना, अभी एक बज रहे दोपहर के, तो लंच ब्रेक भी हुआ है तो काफ़ी लोग लंच के लिए बाहर निकले हैं। और काफ़ी लोग अभी होता है कि मॉर्निंग वर्क फ्रॉम होम करके आफ्टरनून में ऑफिस के लिए जा रहे हैं। तो ये जो बिल्डिंग है ये तो एक्चुअली मेरे ऑफिस के नहीं है, ये बिल्डिंग के अंदर से हम अभी बाहर निकलने वाले हैं और इस बिल्डिंग के बाजू में हमारा ऑफिस है। जापान में आपको सीढ़ियाँ कम मिलेंगी, एस्केलेटर काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। थर्ड रीज़न है दोस्तों कि यहाँ जापान का जो इकोनॉमी है और जो स्टेबल जॉब है वो मुझे बहुत ही सही लगता है। मैं पिछले 8 साल से यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ सेम कंपनी में, तो मेरा जो जॉब एक्चुअली वो है परमानेंट जॉब। तो यहाँ पे जॉब सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे कोविड भी आया था बीच में तो यहाँ पे किसी को निकाल नहीं दिया था कंपनी में। आपने देखा था कि कोविड के पीरियड में कितने लोगों को हर कंट्री में, इंडिया में तो आपको पता ही होगा कि कितने लोगों को जॉब से निकाल दिया था, जॉबलेस हो गए थे, बट जापान में नहीं निकाला किसी को भी, क्योंकि यहाँ पे जॉब सेफ्टी प्रायोरिटी होती है। यहाँ पे एक बार आप किसी कंपनी में एज अ परमानेंट एम्प्लॉय लग जाओ ना तो अनटिल रिटायरमेंट तक आपका जॉब होता है, फिर कुछ भी हो जाए आपको जॉब से नहीं निकालेंगे वो, अनलेस आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो 2 से 3 साल तक, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं है। जापान में आप साइकिल भी रेंट कर सकते हो, तो इस तरीके से ये साइकिल होती है, इसके स्टैंड भी होते हैं, वहाँ पे साइकिल लगी होती है और आप रेंट करके, ये जापान में बड़ी सस्ती साइकिल है, अगर आपके पास साइकिल नहीं है तो इस तरीके से आप रेंट करके भी उसको यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम पहुँच गए दोस्तों हमारे ऑफिस के एरिया में और ये है मेरी ऑफिस की बिल्डिंग। और शायद मैंने आपको लास्ट टाइम जब मैं ऑफिस में आया था तब आपको बताया था कि मेरे ऑफिस के पास में यहाँ पर ये बूथ लगे होते हैं गाड़ियों के स्टॉल खाना खाने के लिए, 4 स्टॉल यहाँ पे लगे हुए गाड़ियाँ छोटी छोटी। तो यहाँ पे जापानीज़ लोग बेंतो खाना पसंद करते हैं, घर से खाना नहीं लाते वो, ख़रीदते ऐसे इस तरीके से बेंतो स्टॉल से। तो अभी तो लंच टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ गया, वरना यहाँ पे लंबी लाइन लगी होती है यहीं से ख़रीद के। आप ये जो टेबल वगैरह देख रहे हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, यहीं पे बैठ के आप खाना खा सकते हो। यहाँ का जो ऑफिस का वर्क कल्चर है, अब होता है कि हर कंट्री में अलग अलग वर्क कल्चर होता है, जापान का भी जो ओवरवर्क कल्चर है, ओवरटाइम कल्चर है यहाँ पे, बट जो अभी काफ़ी कंपनीज है जो कि अभी ग्लोबल हो रही है वो प्रेफर कर रही है अभी यहाँ पे कि ग्लोबल वर्क कल्चर लाने के लिए। तो यहाँ का जो वर्किंग स्टाइल है वो भी अभी काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है, मैंने नोटिस किया जब मैंने 2016 में मेरा कंपनी ज्वाइन किया, तो जो अभी है बहुत डिफरेंस आ गया है वर्क कल्चर में। और एज ए फॉरेनर आपको बिल्कुल भी जो होता है ना, हमें शायद वो पिछला वाला एंट्री लेना था, थोड़ा आगे चले गया, तो वही यहाँ पे कि अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो और वो अगर ट्रेडिशनल जैपनीज कंपनी एकदम टिपिकल, तो वहाँ पे ऑफकोर्स आपको थोड़ा बहुत फेस करना पड़ सकता है ट्रेडिशनल जैपनीज स्टाइल वर्किंग कल्चर, बट जो ग्लोबल कंपनीज होती है MNC होती है वहाँ पर वर्किंग स्टाइल बहुत ही ओपन होता है। तो अभी हम पहुँच गए हमारे ऑफिस में और थोड़ा देर पर काम करते हैं और बाकी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर के बाद में। तो अभी हमारा जस्ट हेल्थ चेकअप ख़त्म हुआ है और जैसे कि आप मेरे हाथ पे अभी देख रहे हो यहाँ पर अभी लगी हुई है जो होती है ना पट्टी, ब्लड टेस्ट करने के बाद में लगाते हो। तो अभी मेरा 1 घंटा पूरा चेकअप चला जिसमें कि ब्लड, फिर हाइट, बॉडी फैट परसेंट, फिर ब्लड प्रेशर, उसके बाद में और क्या ECG और एक्सरे, ये सब कुछ मेरा अभी चेकअप हुआ है। और अभी इतना भूख लगा था क्योंकि खाने को मना किया था, क्योंकि सब वो टेस्ट वगैरह करवाते तो खा नहीं सकते आप, कुछ भी नहीं सकते। तो ये मेरे पीछे अभी लॉसन है, शायद आपको पता होगा बहुत बार मैं यहाँ पे लंच ब्रेक में आता हूँ खाना खाने के लिए। तो अभी हमने यहाँ से लिया है कुछ खाने के लिए, तो अभी सबसे पहले खाना खाते हैं। मैंने एक्चुअली ये ग्रैटिन लिया था इस लॉसन से, बट इसको ना गर्म करना भूल गया, काफ़ी ठंडा है ये, फ्रीज से निकाला हुआ। तो अभी हम क्या करेंगे ना, हर कन्वीनियंस स्टोर में यहाँ पर इस तरीके से माइक्रोवेव होता है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, तो इसमें हम गर्म करते हैं हमारा खाना। अगला रीज़न है दोस्तों जापान में परमानेंटली मूव होने का, वो यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम। तो जैसे कि आपने देखा आज मेरा यहाँ पे हेल्थ चेकअप हुआ है, तो साल में यहाँ पे आपकी कंपनी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आपका हेल्थ चेकअप यहाँ पे होते रहेगा, तो आपको जो भी दिक्कत हो सकती है, जो भी प्रॉब्लम है, वो जो भी आप चेकअप कराओगे उसमें पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आप चेकअप ही नहीं करवाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या बीमारी है, क्योंकि हमारे इंडिया में होता है कि हम चेकअप नहीं करवाते, 2-5 साल हम चेकअप नहीं करवाते, और जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है या और भी जो बीमारी होती है वो धीरे धीरे बढ़ते जाती है। आपको पता होगा कि जापान में जो लोगों की
एज है वो 100 साल के ऊपर भी लोग जीते हैं यहाँ पे, और 80-90 साल के लोग तो आपको ऐसी रोड पे दिख जाएंगे अपना काम करते हुए। हमारे इंडिया में तो 90 साल के लोग तो घर पे लेटे हुए होते हैं, बट जापान में वो काफ़ी एक्टिव होते हैं। तो यही उसका एक मेन रीज़न है कि यहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना वो बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड भी मिलता है सबको, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड ऐसा होता है कि जब भी आपको अगर कोई बीमारी हो रही है और हॉस्पिटल में जा रहे हो तो उसका जो खर्चा होता है वो 30% आप पे करोगे और बचा हुआ 70% वो यहाँ की गवर्नमेंट पे करेंगे। हो गया दोस्तों आज का हमारा ऑफिस का काम ख़त्म और अभी हम निकल पड़े हैं घर के लिए। अभी बज रहे शाम के 6:30 ऑलमोस्ट होने वाले अभी, तो आज ज़्यादा हमने कुछ ओवर टाइम वगैरह किया है नहीं। और आज तो फ्राइडे है ना, काफ़ी लोग ऑफिस में आए हैं क्योंकि नौमिकाई वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है ना ऑफिस ख़त्म होने के बाद में, यूजुअली फ्राइडे नाइट को। तो जिनका वर्क फ्रॉम होम होता है वो फ्राइडे को ऑफिस में आते हैं और फिर ऑफिस ख़त्म होने के बाद में, ये यंग एम्प्लॉय दिख रहे हैं अभी जस्ट ज्वाइन किए हुए, तो यूनिफॉर्म भी होता है यूजुअली जापान के ऑफिस में, सूट यूजुअली सूट पहनते हैं, बट अभी समर चल रहा है तो सूट ज़्यादा पहन नहीं रहे, बट आपको फॉर्मल तो पहन के आना ही पड़ेगा और टाई तो कंपलसरी होता ही है। बट मेरा जो डिपार्टमेंट है वो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, तो हमारा ज़्यादा कस्टमर के साथ में नहीं होता है मीटिंग्स वगैरह, इंटरनल टीम में ही होता है, तो इसलिए मैं सूट वगैरह ज़्यादा पहनता हूँ नहीं। बट हाँ, जब मैंने नया नया ऑफिस ज्वाइन किया था ना तब मैं सूट वगैरह पहन के आता था, टाई वगैरह, बट मेरे बॉस ने मुझे बोला अरे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं गर्मी के दिनों में भी सूट वगैरह पहन के आता था। तो उसने एक बार मुझे हंस के बोल दिया मेरे बॉस ने कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है सूट वगैरह पहनने की, नहीं आए तो भी चलेगा, नॉर्मल फॉर्मल वगैरह ड्रेस पहन के आए तो भी चलेगा। तो ये पूरा ऑफिस इलाका है, यहाँ पे पूरे ऑफिस है, एक आईटी हब आप इसको बोल सकते हो। जैसे कि अपने इंडिया में पुणे की अगर बात करूँ मैं, सिग्नल छूट रहा है दौड़ना पड़ेगा, पुणे में हमारा हिंजेवाड़ी फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 है, उसके बाद ये मगरपट्टा, वहाँ पे सारे आईटी कंपनीज है ना। तो जापान में इस तरीके से ये सब, ये जो एरिया है ओतेमाची, ये पूरा आईटी हब है। और इस एरिया में तो आपको घर तो बिल्कुल मिलने वाले हैं नहीं रहने के लिए, और अगर गलती से मिल भी गया आपको तो एक रूम जितना आपको मिलेगा 1-1.5 लाख येन पर मंथ। हम बात कर रहे थे जापान में रहने की, तो नेक्स्ट जो रीज़न है यहाँ पे रहने का मेरा वो है यहाँ का सेफ्टी और लो क्राइम रेट। तो आपको पता होगा कि जापान में क्राइम बिल्कुल होते नहीं है, होते हैं तो बहुत ही रेयर केस में होता है। काफ़ी कमेंट्स भी आए थे, गर्ल्स ने किए थे कि रात में यहाँ पर अगर ट्रैवल करना है, अगर बाहर निकलना है रात के समय में, तो लड़कियों के लिए सेफ़ है या नहीं है। तो बहुत ज़्यादा सेफ है यहाँ पे, आप रात 2-3 बजे कहीं भी निकल जाओ, कोई भी एरिया में निकल जाओ, यहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी इतना है, जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, हर जगह पे पुलिस स्टेशन है, और इतना यानी यहाँ पे कूल है ना वातावरण, तो आपको बिल्कुल भी, अगर आप लड़की भी हो तो आपको बिल्कुल यहाँ पे डर नहीं लगने वाला बाहर निकलने के लिए। और आपके साथ में अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी हो रहा है और आप पुलिस स्टेशन जा रहे हो ना, तो यहाँ के पुलिस भी इतना लाइक सपोर्टिव है ना, और इतना पोलाइट है। मैं 2-3 बार गया हूँ यहाँ के पुलिस स्टेशन में, इतने पोलाइट बात करते हैं ना वो, यानी आपको बिलीव नहीं होगा कि वो सच में पुलिस है या नहीं है। तो वो जो एक्सपीरियंस मेरे साथ में हुए 2-3, मुझे उससे बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वाइब आया यहाँ पे रहने का, क्योंकि इतना सपोर्ट यहाँ पे मिलता है लोगों से, लोग भी इतने पोलाइट है यहाँ पे, हेल्प करते हर चीज़ में, ऑफिस में भी अगर आप देखो तो हेल्प करते, बाहर भी अगर आप देखो, चलो ठीक है बात कम करते हैं वो, क्योंकि लैंग्वेज इशू थोड़ा आ जाता है, बट देखा जाए तो यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। और दोस्तों अभी हम थोड़ा, मैं स्टेशन ढूंढने वाला था एक्चुअली, बट बात करते करते मैं थोड़ा आगे आ गया, और अभी मैं ऐसी जगह पर आया हूँ जो मैंने आज तक शायद आपको नहीं दिखाई है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ का वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन। ये देख रहे हो दोस्तों, ये है टोक्यो का रेलवे स्टेशन। अरे मैं वॉक करते करते आया और देखा सामने आते, अरे ये तो टोक्यो का रेलवे स्टेशन है। और ये देख रहे हो आप, लाइक कितना बढ़िया लग रहा है। एक्चुअली ये थोड़ा ओल्ड स्टाइल का है, आप देख रहे हो ये ब्राउन कलर का, यूजुअली ऐसे रेलवे स्टेशन यहाँ पे है ही नहीं, ये बहुत पुराना है और बहुत साल पहले यहाँ पर आया था। और यहाँ का एरिया देख लो आप, कितना वाइब देख लो यहाँ की, कितनी रिच आती है। और अभी हम जाते हैं वहाँ पे और आपको थोड़ा और पास में जाके मैं ये टोक्यो का रेलवे स्टेशन बताता हूँ। ये अभी सिग्नल टूटा है यहाँ पे, भीड़ देख लो लोगों की, सारे ऑफिस घूम रहे हैं यहाँ पे, और वो ऊपर से जा रही है ट्रेन, बुलेट ट्रेन जा रही है मेरे हिसाब से वहाँ से। ये स्टेशन के ना बहुत ज़्यादा एंट्री और एग्ज़िट है, तो ये वन ऑफ द एंट्री, यहाँ से मारुनोउची लाइन नॉर्थ एंट्री यहाँ से,
आपको शिंजुकु स्टेशन और शिबुया स्टेशन पता होगा, काफ़ी बार हम वहाँ पर गए थे। वो तो काफ़ी बड़ा और बिजी स्टेशन है, बट ये जो टोक्यो स्टेशन है ये उससे भी बड़ा और बिजी स्टेशन है। अगर आप यहाँ पे अंदर चले जाओ ना, आप मैं अगर फर्स्ट टाइम आए ना, आप बिल्कुल, आप मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ, आप गुम हो जाओगे उसके अंदर, क्योंकि ये पूरी भूल भुलैया ही अंदर। बाहर से तो देख रहे हो आप इतना बड़ा है, अंदर जाओगे ना तो आप एकदम पागल हो जाओगे कि क्या चीज़ है। और इसके बाहर ही देखो मस्त बढ़िया बैठने के लिए इन्होंने जगह बना के रखी है। तो लोग यहाँ पे ये बस स्टेशन देखने के लिए आते हैं, तो देख रहे हो आप, ये देखने के लिए सिर्फ यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं चिल आउट करने के लिए। और यहाँ पे इस तरीके से बैठे हुए हैं। और वहाँ पे आगे शायद कोई फेस्टिवल चल रहा है, जो दोरी फेस्टिवल हमने देखा था ना, वहाँ पे सेंटर में वो लगा हुआ है कुछ स्टेज। थोड़ी देर के बाद जाके देखते हैं। और अभी आपको मैं थोड़ा इस स्टेशन के पास में ले जाता हूँ। देखो यहाँ पे झंडे वगैरह लगे हुए हैं, टोक्यो के फ्लैग। वैसे अभी हवा है नहीं तो हिल नहीं रहे वो, और लोग यहाँ पे भी निकाल रहे फ़ोटो रेलवे स्टेशन देखने के लिए। मैंने प्लान नहीं किया था एक्चुअली यहाँ पे आना, बट आप लकी हो, वॉक करते करते आगे, और आपको आज मैंने दिखा दिया टोक्यो का वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन। बहुत ही बढ़िया, शायद मैंने एक व्लॉग बनाया था बहुत साल पहले, 2-3 साल पहले मैंने सिर्फ ये टोक्यो स्टेशन का व्लॉग बनाया था, ऐसे ही आया था यहाँ पे मैं। और वो अगर आपको देखना है तो आप मेरे पुराने व्लॉग जाके थोड़ा एक्सप्लोर करिएगा, मैंने वो भी दिखाया था। तो अभी काम करते हैं, आगे जाते हैं। जापान में तो बोनोदोरी फेस्टिवल काफ़ी चल रहा है, शायद हमने 2 बार अटेंड कर लिया है बोनोदोरी फेस्टिवल। और ये टोक्यो स्टेशन के सामने आप देख रहे हो यहाँ पे एक स्टेज लगा हुआ है, काफ़ी लेडीज़ मुझे दिख रही है वहाँ पे किमोनो पहन के। तो मेरे हिसाब से यहाँ भी चलने वाला है बोनोदोरी फेस्टिवल, जिसमें कि जो एंसेस्टर होते हैं, देखो ये दादी माँ, देखो बढ़िया कितना सही लग रही है किमोनो पहन के, वाह। यहाँ से एंट्री है नहीं है, है शायद। आगे जाते हैं थोड़ा, यहाँ पे काफ़ी स्टाफ है, देखो पुलिस भी खड़ी यहाँ पे, ओके फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं यहाँ पर ये खड़े। आगे जाते हैं थोड़ा, यहाँ पे कुछ वो फेलिसिटेशन क्या बोलते हैं, कुछ प्रोग्राम चल रहा है जिसमें कि जो किसी को प्राइज़ वगैरह दे रहे शायद। और यहाँ पे पता नहीं, मुझे नाम तो पता नहीं फेस्टिवल का। देखो यहाँ पे कुछ ही रखे हुए पानी के बाउल, पता नहीं कुछ तो भी अजीब वगैरह फेस्टिवल चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा मैं इसका नाम क्या है। वहाँ सामने तो उन्होंने रुकने नहीं दिया हमको, मैं वहाँ वीडियो बना रहा था तो उन्होंने बोला आगे जाओ। यहाँ पर इस तरीके से ये तो लाइन से इन्होंने लकड़े के ग्लास बाउल है वो, और उसमें लकड़े के चम्मच है, पता नहीं यहाँ पे कुछ उनका ट्रेडिशनल फेस्टिवल होगा। मेरे पे बोर्ड लगा हुआ है जो कि जापानीज में, इसका नाम है फेस्टिवल का, समर फेस्टिवल एक्चुअली ऊची मिजू। तो यहाँ पे एक कूपन वगैरह बांट रहा है इसका, और ऊची मिजू एक फेस्टिवल है जहाँ पर ये देखो यहाँ पे इस तरीके से कुछ फ़ोटो वगैरह में तो आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से पानी से कुछ करते हैं ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आते सांका देखे मस्का, हाँ देख देखे मस्का, अरे अभी पता चला दोस्तों मुझे, ये फ्री में अटेंड कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ देखते ट्राई करके। मुझे लगा था कि ये पहले से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बट कर सकते हैं हम। अरे ये हमको अभी कूपन मिला है, कहाँ पे किधर जाते हैं, ये खाली शायद यहाँ पर आइटमास। तो अभी हम इसके सामने खड़े हैं, पता नहीं करना क्या है इसके साथ में, ये हमको इस तरीके से अभी हाथ में उठाना पड़ेगा इसको। अरे कैसे पकड़ूँ मैं, अभी कैमरा हाथ में पकड़ूँ या फिर ये हाथ में पकड़ूँ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ओ अच्छा ऐसे पानी फेंकना है यहाँ पे, ऐसे पानी फेंकना है। से नो पूरा पानी पानी कर दिया यहाँ पे। वाह समर है ना अभी, तो ये ऐसे पानी वाले फेस्टिवल ज़्यादा चलते हैं यहाँ पे। ये देखो बच्चे भी फेंक रही है पानी इस तरीके से, वाह। चलो हो गया ये फेस्टिवल ख़त्म। अरे वाह, अरे वाह, ये हमको ऐसे ही दे दिया उन्होंने साथ में। चलो एज अ मेमोरी रहेगा हमारे पास में कि हमने ये फेस्टिवल
यहाँ पे टोक्यो स्टेशन के सामने सेलिब्रेट किया था। आपको और जानना है दोस्तों इस फेस्टिवल के बारे में तो आप उची मिजू फेस्टिवल गूगल कर लेना एक बार। तो आप जिन लोगों को इंटरेस्ट है इस फेस्टिवल के बारे में ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है, मैंने मुझे टाइम नहीं मिला गूगल करने का, तो आप कमेंट करके बताना कि ये फेस्टिवल का पर्पस क्या है। जापान में ऐसे ट्रेडिशनल फेस्टिवल इतने होते रहते हैं, यहाँ पे हर मंथ में कुछ ना कुछ फेस्टिवल यहाँ पे चालू रहते हैं, तो आपका मन लगा रहेगा यहाँ पे और आपको कुछ नया सीखने को भी मिलता है, यहाँ पे नया फेस्टिवल अटेंड करने को मिलता है, तो वो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है यहाँ पे। तो अगर आपको नया ट्रेडिशन, नया कल्चर, नया फूड, अगर ये सब चीज़ें पसंद है ना, ऑफकोर्स जापान इज़ अ गुड कंट्री टू लिव। यहाँ पर आपको हर दिन कुछ नया देखने को मिलेगा। अब मुझे 8 साल हो गए यहाँ पर, बट स्टिल देखा आपने ये फेस्टिवल मैंने 8 साल में आज तक कभी नहीं देखा, आज मुझे ये एक्सपीरियंस करने को मिला। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे जो कि आपको नए नए सीखने को मिलेगी, नई नई देखने को मिलेगी। तो फॉर दैट रीज़न ना मुझे जापान में मूव इन करने का, रहने का यहाँ पे परमानेंटली बहुत ही मन है। और ये है टोक्यो स्टेशन का एक एंट्री, यहाँ से भी आप एंटर कर सकते हो टोक्यो मेट्रो के अंदर, बट हम यहाँ से नहीं जाने वाले। हमारा जो स्टेशन है वो दूसरा है, मारुनोची, वो हमें थोड़ा यहाँ से वॉक करना पड़ेगा 5-10 मिनट। तो दोस्तों फाइनली पहुँच गए हम हमारे घर के स्टेशन के पास में। आज इतना गर्मी था ना, और आज ट्रेन के अंदर भी इतना भीड़ था, पूरा पसीने से अभी लथपथ हो चुका हूँ। और दोस्तों अभी आप बिलीव नहीं करोगे जो मैं अभी आपको एक बात बताने वाला हूँ। अभी मैं प्लेटफॉर्म पर उतरा और हम स्टेज पर चढ़ रहे थे, वहाँ पर किसी बंदी का जो हेयर बैंड है वो गिरा हुआ था, किसी ने उठाया नहीं। अब आप बोलोगे भाई हेयर बैंड है कौन उठाने वाला है, बट वो हेयर बैंड था दोस्तों गुच्ची का, उसके ऊपर सारा गुच्ची का, वो जो ब्राउन कलर का था और उस पर जी सब लिखा हुआ था, वो डिज़ाइन देख के मैं समझ गया कि वो गुच्ची का है, और वो सीढ़ियों पे गिरा हुआ था। और जापान में कोई नकली पहनता नहीं, यहाँ पे सब रियली पहनते हैं। तो किसी बंदी का गिर गया था और वो कोई नहीं उठा रहा था, पता है साइड से जा रहे थे, उसके ऐसे भी नहीं कि उसे पैर दे के जा रहे थे या कोई किसी ने उठा लिया, नहीं साइड में था वो, उसको उसकी साइड में से लोग चल के जा रहे थे। तो जापान में ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ की, कि लोग रोड पे कुछ गिर भी जाए, आईफोन रहो, पैसे रहो, किसी की बैग रहो, कुछ नहीं उठाते यहाँ पे लोग, किसी के सामान गिरी हुई चीज़ उठाते नहीं है। अब आप बोलोगे कि भाई अब तुम्हारी साइकिल है, मेरी साइकिल चुरा ली थी कुछ दिन पहले, तो कुछ कुछ होते लोग ऐसे जो कि यहाँ पे अब छाते और साइकिल, ये दो तो चोरी होती है, उसको अब मैं नहीं बोल सकता कुछ, अभी उस पर कमेंट नहीं कर सकता। बट हाँ, अगर आपके यहाँ पे आईफोन भी गिर जाए, अब आप देखो एक बात, यहाँ पे आईफोन लोग नहीं चुराएंगे, आपके वॉलेट नहीं चुराएंगे, बट साइकिल चुरा लेंगे, छाता चुरा लेंगे, तो ये छोटी मोटी चीज़ें चुरा लेते हैं, बट जो महंगी चीज़ें होती है वो लोग बिल्कुल नहीं चुराते, वो आपको ला के दे देंगे। अगर मेरा फ़ोन गिर गया ना पीछे, अगर मैंने जानबूझ के भी गिरा दिया तो कोई मुझे ला के देगा मेरे पीछे पीछे, बट वो ले के नहीं जाएगा। और यहाँ के दोस्तों मुझे एक बात ये अच्छी लगती है कि यहाँ पर सब चीज़ें आपको एक्सेसिबल है, रात के 12 बजे या 2 बजे 3 बजे आपको कुछ भी चीज़ चाहिए ना, यहाँ पर कन्वीनियंट स्टोर जो होते हैं वो खुले होते हैं। जैसे कि ये मेरे घर के पास में ये 2 मिनट के डिस्टेंस पे ये 7-Eleven है, ये एक नहीं है, मेरे घर के पास में 4 7-Eleven और फैमिली मार्ट है, तो ये 24 घंटे एक्सेसिबल होते हैं। तो अगर आपको कन्वीनियंट लाइफ चाहिए ना, जापान इज़ रियली बेस्ट। तो आगे दोस्तों हम अभी घर पे, एक्चुअली मैं जिम घर आया, खाना छाना खाया, जिम गया, और जिम से अभी मैं घर आया, और अभी रात के बज रहे हैं 12। तो यहाँ पर अगर आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए ना, तो आपको जापान में ही मिलने वाली है। अब ये जो भी मैंने आपको आज पूरा बताया वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो अब आप क्या सोचते हो, मैं देखो कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं ना ही जापान को और ना ही इंडिया को एक दूसरे से कंपेयर कर रहा हूँ, मैं मेरा एक्सपीरियंस बताया पिछले 8 साल में मैंने क्या फील किया। उस बेसिस पे मैं पर्सनली ऐसा सोचता हूँ कि अगर मुझे चांस मिला आगे जापान में कंटिन्यूस रहने का, वैसे तो मेरा प्लान है, अगर मुझे अंटिल रिटायरमेंट तक जापान में रहने का चांस मिल रहा है, तो मैं ऑफकोर्स जापान ही चूज़ करूँगा कंपेयर टू इंडिया। कि दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैंने आपको इस वीडियो में अभी तक नहीं बताई, वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। आप जो टैक्स देते हो गवर्नमेंट, वहाँ पे आपको जो ROI है ना आपके टैक्स के ऊपर, वो 100% मिलेगा। आप जैसे घर के बाहर निकलोगे आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगा, जो भी आपने टैक्स गवर्नमेंट को दिया है वो आपको पूरा यहाँ पे देगा। यहाँ के आप रोड देख लो, हॉस्पिटल्स देख लो, फैसिलिटीज़ वगैरह सब कुछ आपको टॉप नॉच 100% गवर्नमेंट यहाँ पे देगी। चलिए दोस्तों अभी हम करते हैं सोने की तैयारी, और आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगली वीडियो में हम जाने वाले हैं यहाँ के बड़े फेस्टिवल में, फायरवर्क फेस्टिवल में, जिसका नाम है हानाबी, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल है टोक्यो में। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।